मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए कल अपन ने ऊर्जा के लिए फॉर्मूला निकाला था। इसमें ऊर्जा वाले फॉर्मूले में दो तरह के फॉर्मूले देखे थे। पहले तो दो आवेशों की वजह से देखा था, फिर तीन आवेशों की वजह से देखा था, और उसी तीन आवेश की वजह से जो फॉर्मूला आया था उसको अपन ने चार आवेशों के लिए भी निकाला था। ऐसे अपन कितने भी आवेशों के लिए फॉर्मूला निकाल सकते। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के गुणन में कार्य। जैसा कि इसमें नाम से ही पता लग रहा है कि विद्युत क्षेत्र में क्या स्थित है, अपने पास विद्युत द्विध्रुव है और उसको अपने को क्या कराना है, घूर्णन कराना है। ठीक है, अपन जानते हैं कि एक विद्युत क्षेत्र को अगर एक समान विद्युत क्षेत्र की बात करें तो एक सीधी सीधी लाइनों से अपन करते हैं। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है अपने पास, इसमें कोई द्विध्रुव है तो द्विध्रुव हमेशा किस पोजिशन में रहता है, नॉर्मल आवेश होता है उस पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और जो माइनस आवेश होता है उस पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। मान लीजिए इसको अपने को द्विध्रुव को इस पर रखते हैं, इस प्लस आवेश पर इधर बल लगा और इस पर माइनस इधर लगा, एकदम स्टेट हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको गुणन कराना है। मान लीजिए ये जीरो पोजिशन है और जीरो पोजिशन से आपको इसको घुमा के यहां लेके जाना है, इसको घुमाने में जो कार्य करते हैं वो अपने को कार्य कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, देखिए विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए थीटा कोण पर कोई द्विध्रुव रखा हुआ है तो उस पर बलागुण कितना लगता है। सबसे पहले अपन बलागुण की बात करते हैं, पहले चैप्टर में उसका फॉर्मूला अपन निकाल चुके हैं। बलागुण का क्या आता है, टाउ इज इक्वल टू, लास्ट में जो टॉपिक था टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, अगर आपको याद हो तो अपन यहां से स्टार्ट करते हैं। विद्युत क्षेत्र में पहले चैप्टर में पढ़ा था पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई को जब ओपन करते हैं तो साइन थीटा आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। जब अपन रेखीय गति की बात करते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, जब अपन रेखीय गति की बात करते हैं। यही कार्य अगर घूर्णन गति में अपन देखें तो घूर्णन गति में क्या होती है, बल भी लेके आ जाता है, बलागुण आ जाता है, बलागुण आ जाता है। विस्थापन किसे कौन सा आ जाता है, कोणीय विस्थापन आ जाता है। ठीक है, ठीक है, ये अपन ने देखा भी था रेखीय गति में और कोणीय गति में क्या क्या रिलेशन होते हैं। जैसे विस्थापन किसमें चेंज हो जाता है, कोणीय विस्थापन में चेंज हो जाता है। वेग किसमें हो जाता है, कोणीय वेग में कन्वर्ट हो जाता है, त्वरण कोणीय त्वरण में। ठीक है, बल किसमें चेंज हो जाता है, बलागुण में चेंज हो जाता है। ऐसे अपन ने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े। अपन यहाँ पर कौन सा कार्य का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, जो टॉ दे रखा है बलागुण दे रखा है और इसको घुमाने में क्या होगा, कोणीय विस्थापन होगा डी थीटा। तो यहाँ पर कार्य जो निकालेंगे वो टॉ इंटू डी थीटा होगा, ना कि एफ इंटू डी एक्स होगा। ठीक है, क्योंकि बलागुण आएगा घुमाने में, अगर
अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते अपन तो क्या होता, विस्थापन होता, और विस्थापन होता तो बल आता है यहाँ पे। लेकिन एक जगह घुमा रहे हैं तो घुमाने में क्या लगेगा, बल की जगह क्या आ जाएगा, बलागुण, और विस्थापन की जगह क्या आ जाएगा, कोणीय विस्थापन। यहाँ पर पहले जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू पीई समाकलन जीरो से थीटा साइन थीटा ई। इसके बाद देखिए साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं हमेशा कि साइन थीटा का माइनस कोस थीटा होता है या कोस थीटा होता है, ठीक है। कई बार ऐसे होते हैं कि साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, फिर उसका अवकलन क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। तो इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। साइन है, जैसे साइन में क्या होता है, आई से मतलब होता है इंटीग्रेशन, लेकिन उसमें माइनस आएगा कि नहीं आएगा ये याद नहीं रहता। तो आप याद रखने का क्या, याद रखने का कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी साइन का जब इंटीग्रेशन क्या करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का कॉस आएगा। अब एक चीज याद रख लेंगे तो दूसरी अपने आप याद हो जाएगी कि साइन का इंटीग्रेशन अगर माइनस कॉस होता है तो अवकलन क्या होगा, प्लस कॉस होगा, ठीक है। फिर उसका उल्टा कर लेंगे भाई, कॉस का समाकलन क्या होगा, प्लस का साइन होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि साइन का ये dx, ये अपने पास थीटा है, dt का साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव मतलब माइनस cos थीटा, और इसका उल्टा cos थीटा।
थीटा का अगर समाकलन करेंगे बिना नेगेटिव साइन, ठीक है, ये तो हो गया समाकलन। अब अवकलन से कैसे करेंगे, देखो साइन का इंटीग्रेशन में माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब साइन का जब अवकलन करेंगे अपन डी थीटा, ये आया प्लस में कॉस, और नेगेटिव नहीं आएगा। और अगर अपन डी अपॉन डी एक्स डी थीटा कॉस करेंगे तो मैंने एक चीज आप याद कर लें, उससे सारी चीजें आपको क्लियर से याद। तो ये शॉर्टकट आप ध्यान में रखें, साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव, अगर कंफ्यूजन हो जाए तो वैसे तो हम लोग याद ही रह जाएगा ये चीज, साइन का माइनस कोस होता है समाकलन और कोस का प्लस साइन होता है समाकलन, लेकिन आपको जरूर उठा हो जाता है। तो देखिए इसमें आ जाएगा डब्ल्यू पहले अपन जीरो से थीटा को मारे थे, अब थीटा वन से थीटा टू, तो
क्या होगा, इसमें चेंज क्या है, यहां से देख लो आप डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है अपने पास, पीई माइनस कॉस थीटा, थीटा वन से थीटा क्या आएगा, पीई पहले ऊपर की लिमिट शुरू करेंगे माइनस में कॉस थीटा टू और ये माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा वन, इसको पहले लिख देंगे लेके आ रहे हैं, विद्युत बिंदु को लेके आ रहे हैं। देखिए ये मान लीजिए बाह्य क्षेत्र है अपने पास, और ये अपन स्ट्रेट लाइन से बनाएंगे पैरेलल लाइंस, और यहां पर क्या कर रहे हैं, एक बिंदु को इनफाइनाइट से लेके आए हैं, लेके आए तो मैंने आपको बताया कैसे रखना है इसको, इधर माइनस का क्यू उधर प्लस का, ये लीजिए लिख दिया, तो यहां पर दो बार कार्य करना पड़ेगा, एक तो अनंत से यहां तक लाने पहला कार्य, दूसरा कार्य इसको घुमाने, जो अभी घुमाने में पर कार्य निकाल हो चुका है, अनंत से यहां तक लाना और फिर इसको घुमाना, दो कार्य हैं दोनों को जोड़ देंगे, और वो किया गया कार्य ही क्या होता है, स्थिति ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, दो बार कार्य है, तो सबसे पहला वाला जो कार्य है वो अपने को निकालना है, सेकेंड वाला जो कार्य है वो तो अपन अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना, उसी को अपन क्यों बना देंगे, सबसे पहले
इसमें आप ध्यान से देखें तो दो आवेश, एक पॉजिटिव आवेश है और एक नेगेटिव आवेश, और द्विध्रुव के बीच की जो डिस्टेंस है वो अपन 2a मानते हैं। कितनी मानते हैं? 2a, मिडिल पॉइंट से, ताकि दोनों बराबर बराबर रहे a और a। अब मुझे बताइए, एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है। एक की वजह से जो कार्य आएगा वो ऋणात्मक आएगा, दूसरे की वजह से धनात्मक आएगा। अब किसकी वजह से ऋणात्मक आएगा? ऋणात्मक आवेश की वजह से। और धनात्मक किसकी वजह से आएगा? प्लस की वजह से। अब मुझे बताओ, जब अपन अनंत से लेके आ रहे हैं और इस पॉइंट तक लेके आए, यहां तक तो दोनों ही आवेश आए थे। ये माइनस वाला आवेश थोड़ा आगे निकल गया, वो आधा लगा, लेकिन यहां पर भी आया होगा। अनंत से यहां तक लाने में जो कार्य करा, इसकी वजह से मान लीजिए प्लस डब्लू था और इसकी वजह से माइनस डब्लू था, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए। तो एक्स्ट्रा कार्य कौन सा हुआ? जो इस माइनस वाले चार्ज ने यहां से यहां तक आने में करा, केवल वही कार्य बचेगा। बाकी तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही यहां तक तो आए ही है। भाई ये प्लस टू यहां पर रखा हुआ है, तो माइनस टू भी यहां पर आया होगा पहले। यहां तक के जो प्लस वाला कार्य और माइनस वाला कार्य एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, केवल ये वाला कार्य बचा। अब ये वाला कार्य कैसे निकालेंगे? ये वाला कार्य निकालने के लिए पहले बल निकालना पड़ेगा, एम बराबर क्यू ई, ये तो बल हो गया। और विस्थापन कितना होगा इसमें? टू ए के बराबर। तो बल निकाल के फिर उसमें विस्थापन कितना है? टू ए। और वो कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि ऋणात्मक वाला आवेश आ गया है। तो ठीक है, इसमें अपन लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के द्वारा किया गया ऋणात्मक कार्य डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा, देखो बल गुणा विस्थापन होता है कार्य बराबर। तो बल का मान क्या होगा हमारे पास? QE। और माइनस वाला आवेश इसलिए माइनस QE, और विस्थापन क्या है हमारे पास? QE। ठीक है, हो गया QE इंटू टू ए। अब QE इंटू टू ए में अगर अपन देखें तो Q इंटू टू ए क्या बनता बन जाता है? P बन जाता है। P क्या होता है हमारे पास? विद्युत द्विध्रुव भाग हो जाएगा हमारे पास पी ई, क्योंकि पी बराबर क्या होता है? क्यू इंटू होता है। और ये कार्य ही स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। यह है कार्य जाएगी
पूरी स्थिति जो है कितनी हो जाएगी? आपको जब डेरिवेशन पूछा जाए तो आपको ये स्पेशल केस नहीं करने होते, जैसे आपको फॉर्मूला या कोई न्यूमेरिकल करने का काम आता है, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए, इसके आधार पर आप 3.14 एग्जांपल कर सकते हैं, दिया हुआ है उसके आधार पर कर सकते हैं। इसके साथ ही चैप्टर अपना खत्म हो गया है। कल अपन इसके न्यूमेरिकल पहले एग्जाम्पल देखेंगे, फिर इसके